बहुत एंटरटेनिंग है, एक नंबर पिक्चर है। स्त्री ने सरप्राइज किया था, इसने डबल सरप्राइज किया। स्त्री टू मुझे स्त्री वन से अच्छी लगी। स्त्री वन जो था बहुत ही एवरेज मूवी थी, बहुत ही ओवररेटेड थी, पर स्त्री टू बहुत ही एनग्रोसिंग है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। बेहतरीन फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म, द बेस्ट फिल्म रिलीज टुडे ऑन 15th of August। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूवी, मतलब फुल एंटरटेनमेंट, इतने टाइम बाद कोई अच्छी मूवी आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म, बहुत ज़्यादा अच्छी। जनरली हॉरर प्लस कॉमेडी उतना अच्छा नहीं बनता है, बट इस मूवी में एक सेकंड के लिए भी हमें मतलब डिस्कनेक्ट नहीं किया, कनेक्शन बना रहा। मैंने जैसा सरप्राइज दिया है ना कि मैं स्पीचलेस हो गई हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूँ। थोड़ी स्कैरी होगी बट स्कैरी नहीं है, अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ ज़रूर जाना चाहिए। एंड 15th August है इसलिए मैं आई हूँ हमारी पूरी टीम के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड मूवी, अच्छी मूवी थी, हॉरर एंड कॉमेडी थी और काफ़ी टाइम बाद कॉमेडी देखा तो अच्छी मूवी। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबके परफॉर्मेंस अच्छे लगे, बाकी मुझे पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव ने सरप्राइज किया। कुमार राव की वर्सिटैलिटी, श्रद्धा कपूर का लिमिटेड रोल था उस वजह से मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, बट शी इज ऑल्सो वेरी गुड इन हर रोल। प्रेम भी मैंने मिस नहीं किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड द कॉमेडी टाइमिंग ऑफ अक्षय कुमार, आई एम टेलिंग यू, इज माइंड ब्लोइंग। मैं राजकुमार राव, बाप रे क्या एक्टर है वो बंदा, एक सेकंड मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो एक्टिंग कर रहा है या भगवान हो चुका है एक्टिंग का। मतलब फर्स्ट मूवी एंड नाउ इज डूइंग लाइक दैट, ऑसम ऑसम। हर एक कैरेक्टर उसमें जो भी है, भले उसने एक सीन रोल प्ले किया है या 10 सीन रोल, वो जो इस तरह घूंघट में आई है ना, उसने भी अच्छा रोल प्ले किया। मैं तो कह रही फर्स्ट हाफ का जो इंटरवल पार्ट था वो बहुत माइंड ब्लोइंग था। मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ कुछ भी, स्पॉइलर कुछ भी नहीं दोगी, पब्लिक का मजा खराब नहीं करोगी। मैं इंटरवल पार्ट वॉज अमेजिंग एंड जो क्लाइमैक्स था वो तो आउटस्टैंडिंग था। एंड स्टार्टिंग में लगा था थोड़ा सा सर कटा, सर फिरा, नॉट काइंड ऑफ कि डर लगा, बट वो जो इफेक्ट्स थे, वो साउंड के इफेक्ट, सारी चीजें वो बहुत अच्छी थी। लेकिन थोड़ा सा क्लाइमैक्स में मुझे थोड़ा लिटिल बिट मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब क्लाइमेक्स रात। और दो तीन और सॉन्ग्स हैं, म्यूजिक अच्छा है सचिन जिगर का म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी जिष्णु भट्टाचार्य जी की, हेमंती सरकार की एडिटिंग, अमर कौशिक का डायरेक्शन, सब कुछ बढ़िया है। इज द हीरो ऑफ दिस फिल्म द डायलॉग राइटर, द द द द पंच द पंचेस जो जिन्होंने लिखे, ही इज द हीरो ऑफ द फिल्म। अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब प्रॉपर, और मतलब अच्छा सीन है, सबकी केमिस्ट्री अच्छी है, स्पेशली राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत ही अच्छा है। सेकेंड हाफ में भी बहुत अच्छा हॉरर सीन्स वगैरह बहुत अच्छे से शूट किए गए, तो दोनों हाँ मुझे अच्छे लगे। सर तो खेल खेल में मैं जाने वाले यहाँ पे कहाँ से आ गए, मैं सोच में पड़ गए, पर उनका भी कैमियो बहुत ही अच्छा, वो एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था मूवी का, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था जो कोई भी मिस नहीं कर सकता। सो मेरे हिसाब से तो वो कैमियो उनका अच्छा था। एंड वरुण धवन सर, वो तो हमारे भेड़िया है, वो तो कहीं भी पहुंच जाएंगे।